आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को दोहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो कॉन्ट्रैक्ट पर कोई नौकरी नहीं देंगे, सभी को पक्की नौकरी मिलेगी, एक जैसे काम के लिए सभी को एक जैसा वेतन मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं आरजेडी के घोषणा पत्र में और कौन से बड़े बड़े वादे हैं। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम दिया है। इसमें 15 से ज्यादा मुद्दों को शामिल किया गया है। सबसे ऊपर रोजगार, कृषि, उद्योग और शिक्षा को जगह दी गई है। तेजस्वी यादव ने बिहारियों को 85% आरक्षण देने की बात भी कही है। साथ ही शिक्षा बजट पर 22% खर्च किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर एनडीए को अपने निशाने पर लिया और कहा कि हम 10 लाख नौकरी की बात करते हैं और वो लोग रोजगार के तहत तो पकौड़ा तलने और नाला की सफाई की बात करते हैं। हमको बिहार बेहतर बनाना है और इसके लिए नेशनल एवरेज पर पहुंचना होगा। झूठा वादा करना हो तो बीजेपी जेडीयू की तरह तो हम भी कुछ भी कह सकते थे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो 10 लाख नौकरी के सवाल पर ही हाथ खड़ा कर दिया। बीजेपी कहती है 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे। आखिर ये लोग बेवकूफ किसको बनाते हैं? अब आपको बताते हैं घोषणा पत्र के कुछ और मुख्य वादे। आरजेडी के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि गाँव को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी लगाए जाएंगे। किसान आयोग, व्यवसायिक आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जाएगा। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का गठन किया जाएगा। किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन 400 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति महीने किया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण दावे और वादे भी किए गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार सुबह सीएम नीतीश को सीधी और खुली चुनौती दी। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि सीधी और खुली चुनौती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संपूर्ण बिहार में किसी एक ऐसे थाने और प्रखंड कार्यालय का नाम बताएं जहां बिना चढ़ावे यानी बिना रिश्वत के कोई कार्य होता है। अगर मेरी बात गलत है और इसमें कोई संदेह है तो अपने भाषण में जरा एक बार पब्लिक से पूछ लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के महागठबंधन का घोषणा पत्र 17 अक्टूबर को जारी हुआ था। महागठबंधन ने भी 10 लाख नौकरियों देने का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि महागठबंधन का सबसे ज्यादा जोर बेरोजगारी दूर करने पर है। अगर वो सरकार में आते हैं तो उनकी कलम से पहला फैसला 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।